Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो आज से 65 मिलियन साल पुरानी है। ब्रह्मांड में कहीं एक ऐसी दुनिया जो मैनकाइंड से बहुत पहले ही है। हमें बताया जाता है कि कुछ सिविलाइजेशन ने ब्रह्मांड में हेवंस की खोज कर ली है, जहां हर चीज बेहतर है अभी की पृथ्वी से। एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट किसी की खोज में एक दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं, जहाँ पर आज भी डायनासोर मौजूद है और कुछ बड़े ऐसे जीवों का वास है जिन्हें आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। ये सिविलाइजेशन एक सोलारस नाम के ग्रह पर रहती है। इसके बाद हम कहानी के मेन किरदार मॉरिस को देखते हैं, जो अपनी वाइफ क्लारा के साथ बैठा अपनी बेटी नॉली को देख रहा है, जिसको एक बीमारी है पर उसके ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसे लगेंगे, जो कि मॉरिस के पास नहीं है। इसीलिए उसे कुछ लोगों से कांटेक्ट किया है उन्हें एक दूसरे प्लैनेट पर छोड़कर आने के लिए। तो हम आपको बता दें कि इस समय में लोगों के पास काफी आधुनिक चीजें मौजूद है, वो बहुत ही लंबी लंबी दूरी को बिना किसी रुकावट के तय कर सकते हैं। मॉरिस अपनी बेटी से वादा करता है कि वो उसे ठीक करेगा किसी भी हाल में, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और नॉली भी अपने डैड को अच्छे से जानती है, वो उनसे काफी क्लोज है, इसीलिए वो उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहती है। जहाँ से हम सीधे पहुँचते हैं उसी स्पेसशिप में जिसको मॉरिस चला रहा है। उसके साथ जो भी लोग यहाँ से जाने वाले हैं वो अभी एक स्पिरिचुअल स्लीप में है, यानी कि उन्हें 2 साल के लिए सुला दिया गया ताकि वो जब वहाँ पर पहुंचे तो उनकी एज वही सेम रहे। पर मॉरिस जागता रहता है क्योंकि उसे स्पेसशिप ड्राइव करना है। पर कुछ ही देर में उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि काफी सारे मेटेराइड्स उनके प्लेन से टकराना शुरू हो जाते हैं। वो फौरन उठकर खुद के स्पेसशिप को कंट्रोल करता है और उसकी स्पीड बढ़ा देता है, पर अब दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, इसीलिए उसे बीच में एक प्लैनेट दिखता है जिस पर वो लैंड करने का सोचता है, क्योंकि ऐसे स्पेस में अगर वो गुम हो गया तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। पर वो प्लैनेट पर काफी अंधेरा होता है और स्मोक भी, इसीलिए उसकी लैंडिंग बहुत ही बेकार होती है और जाकर उसका शिप एक चट्टान से टकराती है, जिसमें मॉरिस के शरीर में चोटें भी आती है, जिसमें वो ठीक करने के बाद बाहर आता है ये देखने के लिए कि क्या कोई जिंदा है या फिर नहीं। लेकिन हम ये प्लैनेट देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा हरा भरा था, हवा भी साफ थी, इंसानों के लिए एकदम परफेक्ट था। जहाँ पर मॉरिस का शिप क्रैश हुई थी वो जगह कोई लेक था, इसीलिए वो स्विम करके आगे की ओर जाता है और लोगों को ढूंढने के लिए जो नींद में थे। पर अब सभी मारे जा चुके हैं और इसी बीच हम किसी बड़ी चीज को पानी में भी देखते हैं, पर वो नहीं देख पाते और वापस शिप में आ जाते हैं और नॉली के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अब कैसे वो उसका इलाज करवाएगा क्योंकि उसका मिशन तो बीच में ही फेल हो गया। वो अपने प्लैनेट पर मैसेज भी भेजने की कोशिश करता है पर इसमें भी वो असफल रहता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि स्पेसशिप में 2 सेफ पोर्ट भी हैं, जिसे यहाँ से वापस जाया जा सकता है, पर वो भी काफी डैमेज हो चुके हैं, यानी कि उन्हें पहले तो ठीक करना होगा तब जाकर ही कुछ हो सकेगा। इसी बीच उसे एक मैसेज मिलता है कि एक कैब है जिसमें एक ह्यूमन अभी भी जिंदा है, वो जाग चुका है और वो फौरन बाहर जाता है उसे ढूंढने लगता है। बड़ी ही देर बाद उसे वो मिल जाता है, जिसको खोलने पर उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो कि जख्मी हालत में थी। तो वो उसे लेकर शिप पर आ जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद सब कुछ ब्लैक हो जाता है और तब हमें एक बहुत ही अद्भुत चीज पता चलती है। जिस जगह पर ये दोनों अभी फंसे हुए हैं वो असल में आज से 65 मिलियन साल पुरानी हमारी पृथ्वी है, जो कि एकदम प्योर है बिना किसी पोल्यूशन के और बिना किसी इंसानों के। जहाँ से हम फिर से मॉरिस को देखते हैं जो अगली सुबह इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। साथ में उसे अपना एस्केपिंग पोर्ट भी ढूंढना है जो कि क्रैश के समय से यहाँ से मीलों दूर जाकर गिरा था या फिर अलग हो गया था, कुछ भी हो सकता है। मॉरिस को यहाँ अजीब अजीब तरह की चीजें दिखती है जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे कि गर्म पानी के वॉल्कनो, वॉटरफॉल, कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पेड़ और कुछ विशाल जानवरों के कंकाल जो शायद डायनासोर भी हो सकते हैं क्योंकि अभी भी डायनासोर जिंदा है। इसके बाद मॉरिस और आगे जाता है और एक हिल पर जाकर अपने डिवाइस को निकालता है जो कि एक एडवांस GPS हो सकता है, और अब वो उसकी मदद से एस्केपिंग पोर्ट को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। उन्हें ये सफर पूरे अकेले ही तय करना होगा और इतने में उसके ऊपर एक छोटा सा डायनासोर का बच्चा हमला कर देता है, पर मॉरिस उसे अपनी इलेक्ट्रिक बंदूक से मार देता है और वो फिर से उसी क्रैश हुए शिप पर लौट आता है और देखता है कि वो लड़की होश में आ चुकी है। तो वो सबसे पहले तो उसके जख्मों पर मरहम लगाता है, फिर उसे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग वहाँ क्यों जाना चाहते हो। वो लड़की जो भी कुछ बोलती है उसे मॉरिस कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि उसकी भाषा अलग थी, उसका ट्रांसलेटर भी टूट चुका था। और तभी वो एक बुक को ढूंढता है जिसमें शिप के अंदर सभी लोगों के बारे में लिखा था, जिसमें उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम काउ है। वो उस बुक में लिखे हुए कुछ वर्ड्स को समझ जाता जिसकी मदद से वो उसे बात करने में सक्षम हो जाता। फिर अब यहाँ वो काउ को एक मैप बनाकर दिखाता है और बताता है कि हमें इस जगह को छोड़ना होगा तभी हम घर वापस जा सकेंगे, क्योंकि हमारे एस्केपिंग पोर्ट पहाड़ के उस साइड किसी जगह पर गिरे हो सकते। अब यहाँ पर होम का नाम सुनकर काउ कहती है कि उसके साथ उसके मॉम डैड भी आए थे
वो उन्हें अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकती। पर मॉरिस उसे समझाता है कि उस क्रैश के बाद सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं और सभी लोग मारे जा चुके। लेकिन काउस की बातों को मानने को तैयार नहीं होती, इसीलिए उसे झूठा मैसेज भेजता है जिसमें वो ऐसे बिहेव करता है कि उसके मॉम डैड उसी पहाड़ी पर है और उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसको वो सच मान लेती है और तैयार हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। अब मॉरिस अपनी तैयारी में लग जाता और अपनी ज़रूरतों का सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता। उधर काऊ को एक वीडियो मिलती है जो कि कॉली की थी, जिसमें वो रोते हुए कहती है कि डैड मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जिसके आगे वो कुछ और देख पाती कि तभी वहाँ पर मॉरिस आ जाता और उसे फौरन चलने को कहता है क्योंकि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था सब क्रैश में इधर उधर बिखर चुका और इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँचेंगे उतना ही अच्छा होगा। जिसके कुछ समय बाद हम इन दोनों को खुले मैदान में देखते हैं जिसके ऊपर खूब सारे डायनासोर उड़ रहे हैं। इन्हें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा क्योंकि ये सफ़र जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी पूरी पृथ्वी पर डायनासोर का राज है। एक छोटी सी गलती और इनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है और इसीलिए आराम से और दिमाग लगाकर ये आगे बढ़ते हैं। और एक मैदान को ख़त्म हो जाने के बाद इनका सामना एक घने जंगल से होता है जिसमें हर चीज़ मौजूद थी, खाने से लेकर पीने तक, इसीलिए इन्हें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती पर ख़तरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। थोड़ी देर बाद मॉरिस के ऊपर एक स्पाइडर टॉयलेट कर देता है जिसे देखकर काऊ हंसने लगती है, उसका मजाक बनाने लगती है। तो मॉरिस उसकी ओर बढ़ता है अपने गंदे हाथ लगाने के लिए, लेकिन इतने में उनका सामना कुछ छोटे छोटे डायनासोर से होता है। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, उन्हीं में से एक दलदल में गिर जाता है जिसे काऊ देख लेती है। अभी वो छोटी है इसीलिए उसे सही गलत का अंदाज़ा नहीं है, खासकर कौन सी चीज़ खतरनाक और कौन सी नहीं है ये तो बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। मॉरिस उसे रोकता है लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, वो उसे निकाल तो लेती है लेकिन इतने में वहाँ पर और भी उसके साथ ही आ जाते हैं। तो मॉरिस उसे जल्दी से एक पत्थर के पीछे छुपा लेता और आइंदा ऐसा कभी ना करने को बोलता है और ये भी बताता है कि ये जंगल है, यहाँ हर चीज़ मिल सकती है लेकिन उन सभी चीज़ों को खाया नहीं जा सकता क्योंकि वो जहरीली होती है। और वो ये सब बातें उसे इशारे में समझाता है क्योंकि आपको तो पता ही है कि दोनों की भाषा अलग है लेकिन रंग रूप एक है। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक वाटरफॉल मिलता है जहाँ पर यह पानी पीते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। वहीं यहाँ पर काऊ मॉरिस के बालों में एक फूल लगाने की कोशिश करती है पर मॉरिस मना कर देता है। लेकिन अगले ही सीन में हम वो फूल उसके बालों में देखते हैं। वो कहीं ना कहीं काऊ के अंदर अपनी बेटी नॉली को महसूस कर पा रहा था, इसीलिए वो उसकी रक्षा खुद से भी ज़्यादा करता है। एक जगह पहुँच कर मॉरिस उसे ऊँचे पहाड़ पर चढ़ता है जहाँ से वो डिवाइस से चेक करता है कि अभी कितनी दूरी बाकी है। इतने में वो पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरता है, जिस चक्कर में उसका कंधा भी खिसक जाता है, जिसे वो पेड़ पर मार कर सीधा करता है। पर वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, जो चीज़ काऊ भी देख सकती है। लेकिन अभी तो मुसीबतें होना शुरू हुई है और इनकी ये गिरने की आवाज़ वहाँ पर मौजूद कुछ बड़े डायनासोर उनकी ओर आने लगते हैं। उन्होंने इन्हें देख लिया था, जिसके चक्कर में काऊ वहाँ से थोड़ी दूर आ जाती है और छुप जाती है। पर जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो तो उस जगह पर आ गई है जहाँ पर उड़ने वाले क्रिएचर की फौज इकट्ठा है। वो बिना आवाज़ करे पीछे खिसकने की कोशिश करती है लेकिन उसे भी आवाज़ हो जाती है और अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। कुछ डायनासोर्स ने उसे देख लिया और अब वो उनकी ओर बढ़ रहे हैं। उधर मॉरिस उन सभी से लड़ाई कर रहा होता है, उसके पास कुछ एडवांस बॉम्ब होते हैं जिन्हें वो फोड़ देता है जिससे कि वो भाग जाता है। और फिर वो काऊ के पास जाता है पर यहाँ वो देखता है कि उसे तो कुछ क्रिएचर ने घेर रखा है, इसीलिए वो बिना समय गंवाए उन्हें शूट करना शुरू कर देता है क्योंकि अगले ही समय एक डायनासोर काऊ को पीछे से खींच कर जंगल के अंदर ले जाने लगता है। वो तेज तेज चिल्लाती है तो मॉरिस जैसी तैसे करके उसे शूट करता है और उसकी जान बचाता है। लेकिन इन सब हादसों के बाद काऊ बहुत ही ज्यादा डर और सहम जाती है, जिस चक्कर में वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है और मॉरिस से कुछ भी नहीं कहती। वो उसे यहाँ से चलने को कहता है लेकिन तब भी वो उसकी बात नहीं मानती। जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है तो मॉरिस उसे वही गाना गाकर सुनाना शुरू कर देता है जो कि वो अपनी बेटी कॉली को सुनाया करता था जब वो उसे ऐसे ही नाराज हुआ करती थी। और उसी तरह आज काऊ भी मान जाती है पर उसके पैर में चोट लग गई है इसीलिए वो चल नहीं सकती। तो मॉरिस उसे अपने कंधों पर बैठा लेता और फिर आगे का सफर वैसे ही तय करता है। पर कुछ ही देर में रात हो जाती है, उन्हें वहीं रुककर अपनी रात बितानी होगी। मॉरिस अपने चारों ओर एक डिवाइस लगा देता है जो कि एक शील्ड की तरह काम करती, किसी भी चीज या खतरे को आने पर वो इन्हें वार्न कर देगी। अब सोने से पहले मॉरिस एक बार अपनी दूरी को चेक करता है कि अभी कितना समय रह गया, लेकिन यहाँ उसे कुछ ऐसा पता चलता है इसके सच को जानने के लिए आज भी कुछ लोग बहुत ही ज्यादा उतावले हैं। अब जब वो अपने डिवाइस से दूरी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ ही घंटों बाद पृथ्वी पर कुछ बहुत ही बड़े मेटेराइट्स टकराने वाले, जिससे कि पूरी जनजाति तबाह हो जाएगी
और सारे जानवर मारे जाएंगे। दोस्तों ये वही समय है जब धरती पर सारे डायनासोर विलुप्त हो गए थे और मॉरिस ये बात काऊ को भी बताता है, जिसके बाद वो लोग आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि कोई है जो इनके आसपास मौजूद है। इन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, पर अब देर हो चुकी है क्योंकि अगले ही पल इनका सामना एक विशाल डायनासोर से होता है जो इनके सामने खड़ा था, जो कि मॉरिस के इलेक्ट्रिक बंदूक से भी नहीं मरेगा। कुछ ही देर में सूरज भी निकल आएगा, पर तब तक के लिए इन्हें कहीं छुपना होगा, इसीलिए ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। इन्हें आगे जाकर एक बड़ी सी केव मिलती है जिसके अंदर ये चले जाते, पर वो डायनासोर अभी भी इनके ही पीछे था, इसीलिए मॉरिस थोड़ा और अंदर जाता है जहाँ उसे एक छोटा सा रास्ता मिलता है जिसके अंदर बस काऊ ही जा सकती थी। इसीलिए मॉरिस एक धमाका भी करता है ताकि वो भी अंदर जा सके, पर उसने दोस्तों देर कर दी। वो आकर उसे पकड़ लेता और खींच कर बाहर ले आता है। काऊ अंदर ही रहती है इसीलिए वो सेफ थी, पर वहाँ मॉरिस अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, इसीलिए वो अपने पास एक डिवाइस को निकालता है और उसको उस क्रिएचर की बॉडी पर लगा देता है, जिससे कि उसे काफी तेज शॉक लगता है और वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद उजाला हो चुका था, पर अब काऊ और मॉरिस अलग हो चुके हैं। वो उसे बहुत ढूंढता है लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इधर मॉरिस देखता है कि अब समय बहुत ही ज्यादा कम है, वो मेटियोर पृथ्वी पर किसी भी समय टकरा सकता है, इसीलिए इन्हें जल्दी हो सके यहाँ से तुरंत ही बाहर निकलना होगा और इस प्लैनेट को छोड़ना होगा, वरना ये सभी उस मेटेरॉयड के साथ मारे जाएंगे। वो उस पहाड़ी के पास जाने लगता है जहाँ पर एस्केप पॉड मौजूद था, पर बीच में ही वो न जाने कैसे एक दलदल में गिर जाता है जो कि बहुत ही बड़ा था। वो जितनी कोशिश कर रहा था उससे बाहर निकलने की, उतना ही अंदर धंसता चला जाता और कुछ ही पल में वो पूरी तरह से गायब हो जाता। वो काऊ को बहुत आवाजें लगाता लेकिन वो तो वहां मौजूद ही नहीं थी, इसीलिए उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन तभी वहां पर काऊ पहुंच जाती है और उसकी ओर एक टहनी फेंकती है, जिसको पकड़कर वो सीधा बाहर आ जाता है। आते ही वो सबसे पहले तो उसे गले लगाता है, जैसे कि वो अपनी बेटी को लगाया करता था। वो उसे बताता है कि समय बहुत कम है हमारे पास, किसी भी हाल में हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो उस डिवाइस के जरिए समझाता भी है उसे और फिर दोनों चलना शुरू करते हैं और फाइनली इन्हें वो पॉड मिल जाता है जो कि पूरा ठीक है। इस चीज को देखकर मॉरिस बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वो यहाँ से बाहर निकल सकेंगे, पर जब वो पीछे देखता है तो काऊ पॉड से बाहर जा रही थी। दरअसल दोस्तों वो अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी क्योंकि मॉरिस ने उसे बताया था कि यहाँ पर आने से पहले उसके मॉम डैड वहीं मिलेंगे, लेकिन उसने झूठ कहा था। और जब ये बात काऊ को पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाती है और भागने की कोशिश करती है, तो मॉरिस उसे समझाता है कि हमारी टक्कर इतनी जोर से हुई थी कि कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था, सभी मारे गए थे और अगर हम कुछ देर में इस पृथ्वी से बाहर नहीं निकले तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन वो लड़की मानने को तैयार ही नहीं थी, तब वो अपनी बेटी नॉली की फोटो उसे दिखाकर बताता है कि देखो ये मेरी बेटी है, इसको एक बीमारी है जिसके इलाज के खर्चे के लिए मैंने इस मिशन को किया ताकि जो भी पैसे मिले मैं उसका इलाज करा सकूं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तुम ही हो जो कुछ भी हो मेरे लिए, और इसीलिए चलो हम चलते हैं। मॉरिस को पहली बार रोता हुआ देखकर काऊ मान जाती और फिर दोनों ही पॉड में जाकर बैठ जाते, पर दोस्तों अब देर हो चुकी है क्योंकि मेटेराइट्स के टुकड़े अब गिरना चालू हो जाते हैं। एक तो इनके पॉड के ऊपर ही गिरता है जिससे कि वो जाकर बहुत ही दूर छटक जाते। दोनों को चोट आती और ये मुसीबत कम थी कि तभी वहां पर दो बड़े बड़े डायनासोर आ जाते, वो हमला करना शुरू करते हैं और मॉरिस को पता था कि इन्हें मार कर ही वो यहाँ से उड़ सकते और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए वो बाहर आ जाता और एक को तो वो मार भी देता है, लेकिन दूसरे वाले की बारी में उसकी बंदूक की चार्जिंग खत्म हो जाती है, जिस चक्कर में वो पॉड के पास बढ़ना शुरू करता है और काऊ को मारने में लग जाता है। लेकिन वो अपना दिमाग लगाती और नॉली के होलोग्राम को दूसरी तरफ दिखाती है, जिससे कि वो डायनासोर डिस्ट्रैक्ट हो जाता और इसी बीच मॉरिस वहां से भाग जाता है। पर कुछ ही देर में उस डायनासोर को भी पता चल जाता है कि उसका बेवकूफ बनाया गया, इसीलिए वो फिर से मॉरिस के पीछे लग जाता। और यहाँ दूसरी ओर हम पृथ्वी को तबाह होते हुए देखते हैं, हर तरफ बस तबाही का मंजर था। बड़े बड़े गर्म पानी के वॉल्केनो फटना शुरू हो जाते, जिसका मॉरिस फायदा उठाने का सोचता है। जब ये डायनासोर उसके पीछे पड़े थे तो वो उन्हें उसके ऊपर कूदाने की कोशिश करता है ताकि जब वो फटे तो मारे जाए, पर दोस्तों उस डायनासोर की चमड़ी बहुत ही मजबूत होती है, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता, पर नुकसान होने वाला था तो अब बस मॉरिस का, क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। वो उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो जाता, किसी भी समय उसे निगल सकता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो पल करीब था जब मॉरिस की मौत तो तय थी, लेकिन तभी इतने में काऊ आ जाती है और उसकी आंखें फोड़ देती है, जिससे कि वो डगमगाने लगता और जाकर गिरता है एक विशाल वॉल्केनो पर, जो उसी समय फट जाता है और उसका पानी इतना ज्यादा गर्म होता है कि उसकी पूरी स्किन पिघल जाती है और वो बहुत ही दर्दनाक मौत मारा जाता है। अब समय ना गवाते हुए ये दोनों ही वापस से पॉट के अंदर आते हैं और अपने लोकेशन पर सेट करके उड़ जाते हैं।
फिर ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर आ जाते हैं। उधर हम पूरी पृथ्वी को तबाह होते हुए देखते हैं। जितने भी ब्रीड के डायनासोर थे सब के सब विलुप्त हो जाते हैं। दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। काओ मॉरिस से कहती है कि उन्होंने कर दिखाया, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब कई मिलियन साल बाद का समय दिखाया जाता है। धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है, जो कि हम देख सकते हैं। जहाँ पर जंगल थे उन्हें काट कर अब बिल्डिंग बन गई। कुछ सालों बाद उन पहाड़ों को भी उनकी जगह से काट कर हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसे ही करते करते दोबारा से वो दिन आएगा जब पृथ्वी फिर से रीस्टोर होगी, जब पृथ्वी फिर से रीस्टोर होने के लिए तबाह हो जाएगी। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।